जो ब्रिटिश सरकार के समय जो जातियां कंट्रोल कर रही थी इकोनॉमी को, वो आज भी कंट्रोल कर रही है। जो दलित समाज के लोग हैं उनके पास वो एक्सेस नहीं है, चाहे वो लोकल लेवल म्यूनिसिपल काउंसिलर हो, एमएलओ हो या एमपी हो, जहां पे सिर्फ हाईली स्किल्ड लोगों की ही भर्ती की जाती है, इवन वहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो वो दलित आदमी से खाने वाले जो सिचुएशन है वो बहुत ही मिनिमल के बाद। और सरकार का रोल जहां तक रहता है हर क्षेत्र में, चाहे वो इंडस्ट्री खड़ी करने में हो, शिक्षा के क्षेत्र में या और किसी क्षेत्र में हो, वहां पर हिस्सेदारी मांगनी चाहिए। हाई कास्ट की देखें तो 25% टोटल पॉपुलेशन है, लेकिन 44% उनका कंट्रोल है। शहरों में और ही हालत खराब है। जहां तक दलितों की बात है, उनका जो पॉपुलेशन है 15% है, और उनका जो शेयर है अर्बन एंटरप्राइजेस में वो मात्र 7% है। और वही हाई कास्ट की पॉपुलेशन आपकी 46% है और वहां उनका शेयर 56% है। तो आज हम ये देखते हैं कि ये सारा जो इतिहास में जो हुआ है, जो ब्रिटिश सरकार के समय जो जातियां कंट्रोल कर रही थी इकोनॉमी को, वो आज भी कंट्रोल कर रही है। और जो भी एंट्री कर पाए हैं, जो भी जातियां उसमें ओनर्स ऑफ कैपिटल में, वो बहुत ही कम जातियां उसमें एंट्रोल कर पाई है। ब्राह्मीन ऑब्वियसली जो सोशली सुपीरियर कास्ट है वो कर पाई है, और जो अपने आप को सुपीरियरिटी क्लेम करके जो सरकार में आ पाई है वही इस का फायदा उठा पाए, आज वो ओनर्स ऑफ कैपिटल बन पाए। जहां तक पॉलिटिक्स की बात है तो पॉलिटिक्स की एक समझने की जरूरत है कि जो छोटे मोटे कारखाने होते हैं, छोटे मोटे जो उद्योग होते हैं, उसमें आपको पैसे की जरूरत है, और उसके लिए आपको पॉलिटिकल पेट्रोनेज की, कि आपके जो लोकल लेवल रिप्रेजेंटेटिव्स है वहां आपको उनकी मदद की जरूरत होती है। और ये जाहिर सी बात है कि जो दलित समाज के लोग हैं उनके पास वो एक्सेस नहीं है, चाहे वो लोकल लेवल म्यूनिसिपल काउंसिलर हो, एमएलओ हो या एमपी हो। इसी की वजह से हमें दलित समाज के लोग हैं जो बिजनेस में कम उतरते हुए देखते हैं हमें, क्योंकि वहां पे बहुत सारे अपोजिशन होता है। जो अपर कास्ट है कई जगह पर, जो ओबीसी समाज का भी अपोजिशन, जो दलित एंटरप्रेन्योर्स है जो छोटे लेवल पे जो कुछ अपना काम करना चाहते, बहुत ही स्ट्रांग है। कुछ स्टडीज यही कहती है कि जहां म्यूनिसिपल मार्केट है, मतलब जहां सरकारी मार्केट है, वहां कहीं पर दलित जाकर आज एंट्री कर पाए हैं। वहां पर अपोजिशन है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे म्यूनिसिपल काउंसिलर जो होता है वो दलित समाज का होता है, वो कहीं ना कहीं एकाध दूसरे को मदद कर पाता है। तो अभी हमारी सिचुएशन ये है, इसका इंपैक्ट, सारा जो ओनर्स ऑफ कैपिटल जिसको हम बोलते हैं, उसका इंपैक्ट आज नौकरियों में ये है कि अपर कास्ट का जो शेयर है वो सबसे ज्यादा है व्हाइट कॉलर जॉब्स में। शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब का जो शेयर है सबसे ज्यादा शेयर है अनस्किल्ड वर्कर्स में, और उनका बहुत ही एक मिनिमल शेयर है व्हाइट कॉलर जॉब्स में। और जहां तक दलित समाज का इंसान है, उसका चांस कोई खुद का एक बिजनेस करना है उसकी बहुत ही चांसेस कम है। लेबर मार्केट डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, ऑलरेडी स्टडीज हो चुकी है, इसको अलग से दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसको हम कॉरपोरेट सेक्टर कहते हैं, बैंकिंग सेक्टर कहते हैं, जहां पे सिर्फ हाईली स्किल्ड लोगों की ही भर्ती की जाती है, इवन वहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। प्रोफेसर थोरात के लीडरशिप में एक स्टडी की गई थी, 2010 में पब्लिश हुई है वो, उसमें दिखाया गया है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर में जो इंटरव्यूज ले रहे वो अपने कास्ट प्रेजुडिस लेके आ रहे, और उसके वजह से जो दलित कम्युनिटी के जो हाईली एजुकेटेड और हाईली स्किल्ड कैंडिडेट्स हैं उनको भी डिस्क्रिमिनेशन वहां फेस करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे एंट्री बिल्कुल नहीं कर पा रहे, लेकिन उसके अलग अलग कारण होंगे कि क्यों वो जा पा रहे हैं वहां पर। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर हम देखें पूरे तौर पर, तो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आप बिजनेस भी करोगे तो आप किस टाइप का बिजनेस कर सकते हो उस पर भी आपके रिस्ट्रिक्शंस है, कि आप क्या चीज बेचोगे, आपसे वो खाना बनाया हुआ कोई खाएगा नहीं। जैसे जिसको हम वड़ा पाव कहते हैं मुंबई में, यहाँ कुछ होगा आपके छोले भटूरे होंगे, तो वो दलित आदमी से खाने वाले जो सिचुएशन से वो बहुत ही मिनिमल के बराबर है। तो इसी को मैं
खत्म करते हुए यही कहूंगा कि ये जो डिमांड आइस्का की तरफ से रखी है बहुत ही जरूरी है, और जिस तरीके से जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहकर के गए कि इसको सिर्फ ट्विटर तक सीमित ना रखते हुए इसको अलग अलग फोरम्स पे इसमें चर्चा होनी चाहिए, और ये क्यों जरूरी है इस पे चर्चा होनी चाहिए, और ऑलरेडी लेट हुआ है इस डिमांड को, ये हमें लोगों को समझाना है कि ये बहुत ही जरूरी है, इसका इम्पैक्ट बहुत लंबे समय तक रहता है। और सरकार का रोल जहां तक रहता है हर क्षेत्र में, चाहे वो इंडस्ट्री खड़ी करने में हो, शिक्षा के क्षेत्र में या और किसी क्षेत्र में हो, वहां पर हिस्सेदारी मांगनी चाहिए, चाहे वो जॉब रिजर्वेशन हो, आप कंपनीज को इंसेंटिव दे दो। अब इंसेंटिव की बात हो रही है तो आप कंपनीज को इंसेंटिव दो कि आपकी वर्कफोर्स में अगर डाइवर्सिटी है कास्ट के तौर पर तो आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, आपकी कंपनी में डाइवर्सिटी नहीं है तो आपको इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे। स्कॉलरशिप्स की बात हो रही है वो होनी चाहिए, अगर वहां रिजर्वेशन इमीडिएटली नहीं हो रहा है तो हमें सरकार को प्रेशराइज करना है कि आप कम से कम स्कॉलरशिप्स इमीडिएटली रिलीज करना शुरू करें। हमारे बच्चे इनफ कॉन्फिडेंट है और मेरिटोरियस है कि वो वहां जा सकते हैं, तो जब तक प्राइवेट आपकी कंपनी को आप कन्विंस कर पाओगे इंस्टीट्यूशंस को, उसके हमें थोड़े शॉर्ट टर्म प्लान्स भी होने चाहिए और कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स भी होने चाहिए। और लास्टली जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे इन्होंने भी कहा दोनों हमारे स्पीकर्स ने कि जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे मेजॉरिटी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कि अगर वो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स पे ही इतने सारे जो हमारे पूंजीपति बड़े हो रहे हैं तो उसमें भी हमारे समाज के लोगों को हिस्सेदारी बिल्कुल मिलनी चाहिए, और इसको अलग अलग क्षेत्र में हमें रखना चाहिए। इसी बात को मैं रखते हुए यहाँ रुक जाता हूँ। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।